अरे बाबा, तेरा गाड़ी नो एंट्री में है। चल चल, लाइसेंस निकाल। नाम क्या है तेरा? नाम बता रे बाबा, तेरा नाम क्या है? कबूर कबूर। अरे बाबा, ये कैसा बात कर रहे है? तेरा नाम क्या रे बाबा? कबूर अर्जुन। अरे बाबा, जा रहे बाबा, तेरे को माफ कर दिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? वायलेंस कुछ ज्यादा हो गया लाइफ में। कॉमेडी चाहिए। एंड कहते हैं ना, जब कोई एक्शन पिक्चर का अनाउंसमेंट हो तो बहुत सारा एक्शन पैक होना चाहिए, एड्रेनलिन होना चाहिए, मजा आना चाहिए। पहली बार होगा कि एक कॉमेडी फिल्म है उसके अनाउंसमेंट पे इतनी कॉमेडी हो रही है, इतनी कॉमेडी हो रही है कि अभी से मालूम है कि वो पिक्चर कॉमिकल डिजास्टर होगी। आप लोगों ने कॉमिकल म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर सुना होगा, आप लोगों ने कॉमिकल म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा सुना होगा। हियर आई प्रेजेंट टू यू द कॉमिकल डिजास्टर। अब कौन कौन है इसके अंदर, वो पहले बात करेंगे। उसके बाद ये क्या है, ये किस आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड फिर बात करेंगे इन महारथियों के बारे में, एंड व्हाई दिस हैज बिकम, यू नो, बोलते हैं ना कि अब डिफॉल्टर्स, यू नो, जो अपने लोन का ईएमआई नहीं भरते या जो भी है, वो डिफॉल्टर्स रहते हैं। दीज आर द रेगुलर डिफॉल्टर्स ऑफ बॉलीवुड। एंड ये आदत बन चुकी है। अरे, इन लोग के पूरे घर वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे अच्छे खासे, इन लोग को जनता देखना है नहीं देखना, हम तो आके रहे हैं खबर। तो गाइस, सबसे पहले कंटेस्टेंट जो इस फिल्म में है, द आइकॉनिक वर्ल्ड वाइड पोस्टर, तीन खिताब है जो मैं इनको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो द आइकॉनिक वर्ल्ड वाइड पोस्टर, किन किन को याद है कि वो साल था भैया, वर्ष था 2022 या 23, हम भूल रहे हैं, वर्ष था 2022 जब एक आइकॉनिक फिल्म आई थी जिसका पोस्टर आया था डे नंबर वन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 10 करोड़। फिर उसके बाद उसको बोला, अरे अरे उसको डिलीट करो, डिलीट करो, डे नंबर वन वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ रुपीज। द आइकॉनिक हेडेक, जो पहली फिल्म है जो डिजास्टर होने के बाद उसका सीक्वल अनाउंस किया गया है, भेड़िया के सुपरस्टार। गलत बोलने का नहीं रे बाबा, सुपरस्टार नहीं बोलने का रे बाबा, बेस्ट एक्टर ऑफ डिकेड बोलने का रे बाबा, वरुण धवन इज्जत से नाम लेने का रे बाबा, धवन में धवन, वरुण धवन, जिनके फैंस को वरुणी बोला जाता है। तो वरुण धवन यहां पर आने वाले हैं नंबर वन। नंबर टू, द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द मैन हु मेड पानीपत द बेस्ट एक्टर अवार्ड, द अवार्ड, द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर कबूर, पानीपत के लिए जिनको सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय परफॉर्मेंस जो देखने के बाद लोग पागल हो गए थे। अर्जुन कपूर, अर्जुन कपूर गेटिंग मूवी इज द बिगेस्ट मिस्ट्री। मेरे को तो लगता है ये बिचारे इमरान खान, ये फरदीन खान और हरमन बवेजा, ये सब कितने अनलक्की है, कितने गुड लुकिंग है, अच्छे, यू नो, काम कज कज करने वाले। बेचारे गिरीश तोरानी, कुमार तोरानी का बेटा, कितना अच्छा दिखता था उसको। इन लोग की किस्मत कितनी खराब है। इन लोग ने अपना फेथ जो है ना, ये फेथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उदय चोपड़ा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है उसके पास, तीन तीन, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अर्जुन कपूर किस मिशन पर निकला है, उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, अभी वो इंडिपेंडेंस डे पे क्या करने वाला है सिंगम में, सुनकर ना आदमी सुन हो जाता है एकदम। सिंगम अगेन का सबसे बड़ा डर तो अभी अर्जुन कपूर ही है फिलहाल, कि एग्जैक्टली क्या है उसके पास। यस, टाइगर श्रॉफ है, जो वो पोस्टर आया था टाइगर का देख के तो चक्कर आ गया था, वो अलग विषय है। अभी जिस पिक्चर का विलन ही अर्जुन कपूर हो, जस्ट इमेजिन, सब मिलकर अर्जुन कपूर को मारना है, ऑल सेड एंड डन, वो छोड़ दो साइड में, उसको साइड में रखो। लेकिन अर्जुन कपूर एंड साथ में दिलजीत दोसांझ, एंड पिक्चर का नाम है नो एंट्री टू। इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ दैट वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये दो नमूनों के साथ ये पिक्चर बनेगी जिसका नाम है नो एंट्री टू। एंड नो एंट्री टू एक मजाक बन के रह चुकी है। अनीस बज्मी बना रहे हैं नो एंट्री का सीक्वल, इसमें फरीदीन खान, सलमान खान, अनिल कपूर, इनका डबल नहीं ट्रिपल रोल होगा। एंड सब सब के तीन तीन हीरोइनें होगी,
बड़ा स्टार कास्ट होगा। फिर राइट्स की लड़ाई हुई, राइट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट्स इसके पास है, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की टा, पूरा हवाई फायरिंग चलती रही। एंड अब पता चल रहा है कि जी स्टूडियोज एंड बोनी कपूर इनकी फिल्म आ रही है नो एंट्री 2, एंड इसमें होने वाले हैं कौन, अर्जुन कपूर, वरुण धवन एंड दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ इसने भी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दी है भाई, ये भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है, इसने भी एक से एक बढ़कर, मैं उसकी फिल्मों के नाम नहीं याद आ रहे, इसने भी लेजेंडरी परफॉर्मेंस दी है पिक्चरों में। हाँ, मैंने कोई तो पिक्चर में बोला था कि दिलजीत दोसांझ तू डोसा बना जाकर, कोई तो पिक्चर थी उसकी याद नहीं आ रही, सर दर्द हो गया था उस पिक्चर में मेरा उसका। तो ये तीन महान हस्तियां जो है ये मिलकर, आई थिंक फिलौरी फिल्म थी वो अनुष्का शर्मा की, और बाप रे, ये तीन महान हस्तियां, ये तीन महारथी आ रहे हैं विद नो एंट्री 2। बेचारा इसमें कौन फंसा, अनीस बज्मी। अनीस बज्मी की गलतियों का सीरियसली गलत इस्तेमाल हो रहा है, द मैन विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, शायद क्या फिल्म आ रही थी खत्म हो गई, और भूल भुलैया 3 कब बनती, कब फ्लोर पर जा रही है। एंड अब खबरें आ रही है कि ये फिल्म की शुरुआत जो है, यानी कि साल के अंत होते होते अनीस भाई जो है वो नो एंट्री 2 बनाने वाले है इन तीन महारथियों के साथ। ये पहली फिल्म है जो अनाउंसमेंट पे ही डिजास्टर होने वाली है, सोशल मीडिया इज गॉन मैड। सलमान खान के फैंस छोड़ दो, सलमान खान के फैंस छोड़ दो, न्यूट्रल ऑडियंस इज गॉन मैड। ये क्या कोई स्टारकास्ट है, वरुण धवन और अर्जुन कपूर, वरुण धवन क्या बनेगा, सलमान खान बनेगा इस पिक्चर में, अर्जुन कपूर अनिल कपूर बनेगा, दिलजीत दोसांझ फरदीन खान बनेगा। पोस्टर देख के पब्लिक हंसेगी और थिएटर से बाहर आएगी, ट्रेजेडी पिक्चर लेकर कर। अरे बाप रे, मतलब बॉलीवुड हैज डिसाइडेड कि जानबूझ के ऐसी फिल्म बनाओ, मतलब स्टारकास्ट लेवल पर ही फिल्म ऐसी बकवास दिखनी चाहिए ना, कि आदमी गालियां दे, डिस्कशन हो, ओवर कॉन्फिडेंस इनकी रगों में भर चुका है, कुछ बोलोगे ना तो बोलते तू सिखाएगा, तू अब बताएगा इनको कि फिल्म कैसी बनाई जाती है, वो आदमी इतने सालों से फिल्म बना रहा, तू वो बताए, होता क्या अंत में जो फिल्म आती है ना तो डब्बे में चली जाती है, किसी से सीखना, किसी की दो बातें सुन लेना इंडस्ट्री वालों को नहीं आता, ये अपने सेल्फ पम्प्ड ईगो में है। मैं चाहता हूँ अर्जुन कपूर आईने में जाके अपने आप को बस एक बार पूछे, क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, कपूर, आईना टूट जाएगा, उसमें से आवाज आएगी नहीं, फिर भी उसको एहसास नहीं होगा, फिर भी वो बोलते ना इट्स बिकम हैबिचुअल, अब तो आदत सी हमको, भी नया लुक लिया अर्जुन कपूर ने सिंघम का विलन लेके, और वरुण धवन बाय 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 बाय, माफ कर दो भाई। और इसमें सुना यार बहुत एक्ट्रेसेस में आने वाली है, 2025 में पिक्चर आने वाली है, डिजास्टर और अनाउंसमेंट डिजास्टर है। मैं लिख के दे रहा हूँ ना, अनीस भाई कितनी भी बड़ी अच्छी लिख देगा ना कहानी फिल्म की, एंड वो स्क्रिप्ट अगर इसके बाद आएगी तो भाई, तो इन शॉर्ट इसका तात्पर्य ये है कि सलमान भाई इज नॉट डूइंग नो एंट्री 2, खत्म। सलमान खान का आइकॉनिक रोल नो एंट्री का, फरदीन, अनिल तीनों बेस्ट शेप में, सलमान भाई है, फरदीन बेस्ट शेप में, अनिल कपूर तो अभी सबसे जवान अनिल कपूर है फिलहाल, क्या ऐसा कारण है कि सलमान खान एंड ऑल दीज पीपल आर नॉट डूइंग नो एंट्री 2? जरूर ये राइट्स को तो लेकर नहीं होगा, क्या लफड़ा है ये। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अर्जुन कपूर को इस फिल्म में लिया है, इस फिल्म को ऑडियंस जवाब देगी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना, 10-15 करोड़ में फिल्म बना देना तभी जाके रिकवरी होगी, वरना इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस चलना तो इम्पॉसिबल, असंभव। इन लोगों को देखने से अच्छा ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना, क्या मुंह से कुछ निकल जाएगा, वैसे ही 2 दिन से सब वो चल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो गाइस इन शॉर्ट नो एंट्री 2 में अर्जुन कपूर, वरुण धवन एंड दिलजीत दोसांझ होने वाले हैं। अनीस बज्मी के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड उनका हाथ कॉमेडी में कोई पकड़ नहीं सकता है, दिग्गज हमारे निर्देशक है अनीस जी, आई विश अनीस बज्मी ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ा टास्क है अनीस जी, अर्जुन कपूर से एक्टिंग कराना, आप पता नहीं आप शायद हिम्मत हार दें और आपकी अगली फिल्म आखिरी हो डायरेक्शन में। वरुण धवन भाई आराम से, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, क्या कहना आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, मिलते अगले एपिसोड में।